Welcome to Kalingo Tutorial, Santikanan Lane, near FM College, Baleshwar. Online classroom. Hello students. Now today we discuss new chapter composite function. So, mutmuko last year padithine continuity and discontinuity. So, taro theory mu confirm kareithili, baki problem kichi kareithili, mutmu gote PDF patheichi aji. ग्रुप रे तो से पीडीएफ टू तुम देख करिवो एवं जहां डाउट रहिबो या पर गुड गूगल मीट क्लास उडे होबो से तुम डाउट मते पचारिबो सब 7 ए रहला तो 7 बी का मु स्किप कर दी छी बाकी 7 बी टा को हम नेक्स्ट पढिबा को आज जो चैप्टर पढिया एई टू आरंभ ला डेरिवेटिव रो मूल पाठ आरंभ ला एई टू को ना कंपोजिट फंक्शन तो हम 7 ए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मु थ्योरी बुझेली प्रॉब्लम करै छी किछि बाकी गोटे पीडीएफ तुम आज इयर में पठे तुम देखीदेव 7 एयर सब प्रोब्लेम तुम निजे करेब जदि एनी डाउट आसला आम जहाँ नेक्स्ट गोटे क्लास करा गूगल मीट रे तुम डाउट सब क्लीयर कर तो 7 बी टा मुझे स्किप कर पढ़ा मुझु 7 सी को यू पाठ आम आसा इम्पोर्टेन्ट पाठ यू आसला दैट इज कंपोजिट फंक्शन तो कंपोजिट फंक्शन जानापी हेल्ले आमको फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट को आसते हे फर्स्ट ईयर में जो डेरिवेटिव पढ़ी तेज भी रिमाइंड करदे तुमको रिमाइंड करदे फर्मुला थे रिमाइंड करें आसो सेकेंड इयर पाठ आस तो आम प्रथम जो डेफिनेशन आम छा डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव 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 जो रूल आम आस डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो आम आस ना डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स मुझ यार डेफिनेशन सब बुझे खाली जस्ट टिके आज तुमको कहचु जे एफ डैश एक्स कहले लिमिट एज टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय के आला एच ये डेफिनेशन मुझे 7 बी बुझे कन्फर्म बुझे तुमको जो डेफिनेशन कौटू आसला कौन कला तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एज टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय के आला एच तो यही कन्फर्म फर्मुला को नहीं यदि मुझे पचारे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखिपर डैश मीन सिंबल ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स गोटे फंक्शन छ एफ ऑफ एक्स द फंक्शन एफ डैश एक्स मीन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ताने एफ डैश एक्स मीन द लिमिट एज टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय के आला एच तो मुझे फंक्शन को बर्तमान चाह यार फर्मुला तुमको लिखेबी तेल से पाठ यार ये जो प्रमाण रखा 7 बी रे अच्छी तो सहीटा को मुझे स्कीप कल मत फास्ट पाठ तुमको आउ थे पढ़ापी हम तो 7 बी टी को नेक्स्ट मुझे नेबी क्लास डाउट क्लीयर होगा तुमको नेबी से 7 बी को पढ़ेबी तो आम आस बर्तमान देख डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दि पावर एन तुम सब लिख यू लिख जिते थर प्राक्ट कर लिख यदि ए फर्मुला तुम्हें क्लीयर न हो ये पाठ बुझा तुम कष्ट तेनाली तुम्हें भी लिखा चेस्टा कर बुझाप चेस्टा कर दि तीन थर पढ़ प्राक्ट कर एन इंटु एक्स टू दि पावर एन माइनस वन आउ थे रिपीट कर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दि पावर एन दैट इज एन इंटु एक्स टू दि पावर एन माइनस वन ये आसला कौटी जो सब जो मेथडटा आम कहते डेफिनेशन मेथड मुझे रिवाइज कर देखने वोटी कमी आसने कही भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दि पावर एन एन इंटु एक्स टू दि पावर एन माइनस वन तो डेरिवेटिव ऑफ एक नंबर छा दुई नंबर एक्स दैट इज किए छुआ वन थ्री तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू दि पावर एक्स दैट इज ई टू दि पावर एक्स केवल गोटे फंक्शन अच्छे जहाँ डेरिवेटिव से निजे अटे किए ना ई टू दि पावर एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ ए टू दि पावर एक्स दैट इज ए टू दि पावर एक्स इंटू लॉग ए फाइव तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज किए वन बाई एक्स एवं छ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज वन बाई कत वन बाई टू रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स सात एवं डेरिवेटिव ऑफ 1 by x that is minus 1 by x square okay तो बर्तमान मुझे कतरा फर्मुला मुझे आगे लिखिले जा सतरा फर्मुला लिखिली तो x टू दि पावर n into x टू दि पावर n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज वन डेरिवेटिव e टू x दैट इज e टू दि पावर x डेरिवेटिव e टू दि पावर x दैट इज e टू दि पावर x log a
derivative of log x, that is 1 by x, derivative root x, 1 by 2 root x, derivative 1 by x, that is minus 1 by x square. Then, so derivative, question number 8, derivative of sin x, that is cos x, 9, derivative of cos x, that is minus sin x, hello, derivative of tan x, that is sec square x. So 11, derivative of sec x, that is sec x into tan x, derivative of cot x, that is minus cosec square x. 13, derivative of cosec x, that is minus cosec x cot x. So 14, derivative of sin inverse x, that is 1 by 1 minus x square root over 14. 15, derivative of cos inverse x, that is minus 1 minus x square root over. So I am asking you, now derivative cos. After 8, repeat code. So derivative sin x, that is cos x, derivative cos x minus sin, derivative tan x, that is sec square x, derivative sec x, that is sec x into tan x, derivative cot x, that is minus cosec square x, cosec x minus cosec into cot x, sin inverse x, 1 by 1 minus x square root over, cos inverse x minus 1 by 1 minus x square root over. So a formula, so jatte clear hobo, ye pati sathe shighra bujhi paribe tumi. এবং যা ডেরিভেটিভ যদি কম্পোজিট ফাংশন তুমি ক্লিয়ার করে দিল তাহলে জানলো যে তুমি ডেরিভেটিভ 90% তুমি ক্লিয়ার হয়ে গেল তো ফাংশন যা তো এ ফর্মুলা তুমি এটা সব কোন ফর্মুলা যা না সিম্পল ফর্মুলা ইয়াকে তুমি মনে রাখা পাই হব ওকে দেন মই পুরো লিখে বুঝে না আসবে কত না 15 পর আসবে 16 কো আসবে তো 16 টা কোন হলো যা না ডেরিভেটিভ অফ tan 16 तो derivative of tan inverse x that is 1 by 1 plus x square 17 derivative of cot inverse x that is minus 1 by 1 plus x square 18 derivative of sec inverse x that is x square minus 1 root over 19 derivative of cosec inverse x that is minus 1 by x x square minus 1 root over chapter 20 asila derivative of u plus v equal to du by dx plus dv by dx 21 derivative of u minus v du by dx dv by dx 22 derivative of u into v that is equal product rule ya kuch ki rule ko jaye product rule to rule ta kon hobo cha na v into du by dx plus u into dv by ki hala dv by dx hala dx to 23 derivative of u by v equal to v into du by sorry du by dx minus u into dv by dx by k l v square yes here 23 to ame asia bartan cha kon 23 pare asiba तो हमें ऐसे लिखिए था u by v ये आपको आ जाए cos division rule या कोई कुआ जाए division rule का cosine rule कुआ जाए जे u into v ये तो दरकार हो चाहे तो दरकार हो u by v तो then ऐसे अच्छा derivative of u v w ताने u v d w by d x w u d v by d x plus एवं v u w d u by d x
আচ্ছা এটার অর্ডার যদি উল্টা পাল্টা হয়ে কিছু প্রবলেম নাই, তুমি না নেক্সট মনে নি ইউভি ডবল ডাইউটি করলি, ডব্লু ইউ ভি রো ডাইউটি, ভি ডব্লু ইউ রো ডাইউটি, তারপরে আসবে একশো না ডেরিভেটিভ অফ কে এফ অফ এক্স হোয়ার কে কনস্ট্যান্ট, কে ভ্যারিয়েবল আছে, ডেরিভেটিভ অফ এফ অফ এক্স হোয়ার কে ইজ কনস্ট্যান্ট এবং ডেরিভেটিভ অফ কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ জিরো। ওকে তো আমি পাখে আসলাম ফর্মুলা কিন্তু টোয়েন্টি ফোর এটা ছয় দিন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স তো আমি ছবিশটা ফর্মুলা কু ভালো ভাবে মনে রাখা দরকার, এ ফর্মুলা মনে রাখব। বর্তমানে গোটে ফার্স্ট ইয়ার কনসেপ্ট গোটে বুঝাইবি, তারপরে আমি সেকেন্ড পার্টকু আসবি। তো প্রথমে আউ থেকে রিমাইন্ড করে দেছি, আমি রিমাইন্ড করছি, তুমি মনকু রিমাইন্ড করো। তো আমি আসবা ডেরিভেটিভ এক্স টু দি পাওয়ার এন এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান, যেমন লেখিল আপনি চেক করো এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান, ডেরিভেটিভ এক্স ওয়ান, ডেরিভেটিভ টু এক্স দ্যাট ইজ ই টু দি পাওয়ার এক্স, ডেরিভেটিভ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লগ এ, ডেরিভেটিভ রুট এক্স হলো ওয়ান বাই টু রুট এক্স, ডেরিভেটিভ অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স, ডেরিভেটিভ অফ লগ এক্স ওয়ান বাই এক্স, ডেরিভেটিভ সাইন এক্স দ্যাট ইজ কোস এক্স, ডেরিভেটিভ কোস এক্স মাইনাস সাইন এক্স, ডেরিভেটিভ টেন এক্স দ্যাট ইজ সেক্স স্কোয়ার এক্স, ডেরিভেটিভ সেক এক্স সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স, ডেরিভেটিভ কোসেক এক্স মাইনাস কোসেক ইন্টু কোট এক্স, ডেরিভেটিভ কোট এক্স দ্যাট ইজ মাইনাস কোসেক স্কোয়ার এক্স, হল ডেরিভেটিভ সাইন ইনভার্স এক্স দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার রুট ওভার, ডেরিভেটিভ কোস ইনভার্স মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার রুট ওভার, ডেরিভেটিভ টান ইনভার্স এক্স ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার, কোট ইনভার্স মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার, কোসেক সেক যেমন লেখা হয়েছে আপনি দেখি দেব, এই ডেরিভেটিভ ইউ ভি থিলে ডিউ বাই ডিএক্স প্লাস ডিভি বাই ডিএক্স, মাইনাস মাইনাস থিলে ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাচ্ছে, ইউ ইন্টু ভি এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট রুল, এটা নিহাতি ইউ ইন্টু ভি, তাহলে ভি ইন্টু ডিউ বাই ডিএক্স প্লাস ইউ ইন্টু ডিভি বাই ডিএক্স, তো ডেরিভেটিভ ইউ বাই ভি, ডেরিভেটিভ ইউ বাই ভি দ্যাট ইজ ভি ইন্টু ডিউ বাই ডিএক্স মাইনাস ইউ ইন্টু ডিভি বাই ডিএক্স বাই ভি স্কোয়ার, কিন্তু এটি উল্টা আলে চলিব, কিন্তু এটি উল্টা আলে ভুলে যাব। বাকি ইউ ভি ডব্লু তিনটা ফাংশন থিলে ইউ ভি ডি ডব্লু বাই ডিএক্স, ডব্লু ইউ ডিভি বাই ডিএক্স, ভি ডব্লু ডি বাই ডিএক্স, তো কে এফ অফ এক্স কে ডেরিভেটিভ অফ এফ অফ এক্স হোয়ার কে ইজ কনস্ট্যান্ট এবং ডেরিভেটিভ কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ কেতে হলে চ জিরো। তো আমি পাখে হচ্ছে আমার কাম সরলা কোন আমি ক্লিয়ার হলে যে ফর্মুলা ক্লিয়ার হলে বর্তমান ইয়ারি কনসেপ্ট উপরে কিছু প্রবলেম তুমি কইবি, ইয়ার প্রমাণ বিটি দেখি দেবি সিম্পল প্রবলেম যেটা ফার্স্ট ইয়ার তুমি পড়িছিল, তো সেই ফার্স্ট ইয়ার পড়িছ কি নাই সেটা ক্লিয়ার করিয়া পাই মুটি ক্লিয়ার পুরা বুঝাউছি, টিকে দেখো ক্লিয়ার হওয়া পাই। তো আমি এটা সব কি ফর্মুলা ছ না সিম্পল ফর্মুলা, তো এই সিম্পল ফর্মুলা বিষয়ে টিকে আমি আলোচনা করিবা, দেন আমি যাবা কম্পোজিট ফাংশন কু। তো দেখো আমি যে আসলে যে আমি লিখুছি যে ডেরিভেটিভ অফ এফ অফ এক্স, তো এটি আমি লিখে লিখছি ডি ওয়াই বাই ডিএক্স, বিকজ ওয়াই ইকুয়াল টু কি হলো এফ অফ এক্স, ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স, তো ডি বাই ডিএক্স এফ অফ এক্স, তো এফ অফ এক্স তাহলে কি ওয়াই, তো এটি কোন কোয়া যাইছ দুইটা ভেরিয়েবল রয়েছে এবং ওয়াইটা কোন কোয়া যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ওয়াইটা কোন যা না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, বাকি এক্সটা হচ্ছে কোন ছ ডিপেন্ডেন্ট সরি এক্স সরি এক্স হচ্ছে কোন ছ না এক্স হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এক্স হচ্ছে কোন হবো না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কাহিঁকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছ না আমি তো পড়িয়া কথা এটা বুঝা কমড়ে না ডি ওয়াই বাই ডি এক্স না অ্যাকচুয়ালি নুয়ে আছে যে ডেরিভেটিভ অফ ওয়াই উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, আমি পড়িয়া কোন ছ এটা উপর লিখ ডেরিভেটিভ অফ সাইন এক্স, অ্যাকচুয়ালি পড়িয়া কথা আমি লেখু কই দেছে ডেরিভেটিভ অফ সাইন এক্স কৌছে প্রকৃত শেয়ার নয়, আমি অ্যাকচুয়ালি পড়িয়া কথা কথা না ডেরিভেটিভ অফ সাইন এক্স উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, তাহলে সাইন এক্স নির্ভর করছে কে উপরে এক্স উপরে, তো সেই পাই ছ সাইন এক্স কু কোয়া যায় ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এক্স কোয়া যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এটা এক্স কোয়া যায় কোন ছা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ওকে তো আমি ছ বর্তমান এই যে ডেফিনেশন আমি ছ কইলে কোন
ना डेफिनेशन आम छुआ कही डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव आम छुआ कहे एफडीएस एक्स तो एफडीएस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच एटा का डेफिनेशन छ ना मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हला डेफिनेशन ऑफ कार ना मैथमेटिक मोर डेरिवेटिव डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन बर्तमान छुआ जो तुमको छुआ मुझे कहली जे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दि पावर एन दैट इज एन इन टू एक्स टू दि पावर एन माइनस वन ये कनसेप्ट बुझे तुम्हें जो कंपोजिट फंक्शन कनसेप्ट बुझी पार ये सब फर्स्ट ईयर पाठ थी छुआ तो बर्तमान मुझे छुआ देने या कोई रूल यूज करी मुझे व्यवहार करी एनसर छुआ एफ ऑफ एक्स है एक्स टू दि पावर एन मुझे एन इन टू एक्स टू दि पावर एन एन माइनस वन बाहर करी एफ ऑफ एक्स है एन इन टू एक्स टू दि पावर एन माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेफिनेशन डेफिनेशन एटी के छुआ ना एफ एक्स प्लस एच आम डेफिनेशन माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो एटी के बस ना एफ ऑफ एक्स 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 होता है एटी के एक्स प्लस एच टू दि पावर एन एटी एक्स टू दि पावर एन डिवाइड बाय के एच एच बर्तमान छा मुझे लिभली देख डेफिनेशन अनुसार मुझे देख तुम जो लिमिट तुम छुआ पढ़े थी देख से लिमिट कथा टे दरकार हो तुम कौन हम ना लेट धरली वाई इक्वाल टू एक्स प्लस एच जो लिमिट ब्राकेट थी तो लेट धरनेली के ना एक्स प्लस एच इक्वाल टू वाई तो एटीचा एच टेन्स टू वैल्यू के जीरो तेल बर्तमान मुझे लिखिपारिमी लिमिट एच टेन्स टू किए एक्स जेहेतु एच रैल्यू जीरो तेल वाई इक्वाल टू एक्स आउ थे क्लीयर कर एक्स प्लस एच को धरनी के वाई एच टेन्स टू वैल्यू के जीरो जगह जीरो पकिले वाई इक्वाल टू एक्स तेल वाई टेन्स टू किए सरी एक्स एच टेन्स टू के वाई टेन्स टू के ना वाई टेन्स टू एक्स इक्वल टू ये वाई टू दि पावर एन एक्स टू दि पावर एन बै वाई माइनस एक्स एच रैल्यू के आसो ना वाई इक्वाल टू एक्स प्लस एच अत एच इक्वाल टू वाई माइनस एक्स एटा कह फर्मुला आसाला छ ना दैट इज जो फर्मुला छुआ लिमिट्र पढ़ी मन पका छुआ लिमिट एक्स टेन्स टू एक्स टू दि पावर ए टू दि पावर एन बै एक्स माइनस एन इन टू ए टू दि पावर एन माइनस वन तेल एन इन टू एक्स टू दि पावर एन माइनस ओके आउ थे छुआ रिपीट कर देख आउ थे या रिपीट कर तो एफ ऑफ एक्स फर्स्ट ईयर कौन पाठ सब छ एफ डैश आम फर्मुला पकिले एच टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बै के एच ता लिमिट एच टेन्स टू जीरो एक्स प्लस एच टू दि पावर एन माइनस बै एच तेल या वैल्यू के वाई टू दि पावर एन माइनस एक्स टू दि पावर एन वाई माइनस एक्स तर फर्मुला आसी गला छुआ ओके तो से भाई छुआ जी मुझे आगे प्रोब्लेम छुआ देखुच देख यहाँ बुझीना तुम्हें चैप्टर के सेवेन बीटा बुझी पार तो से टे सब रिभाइज करुच्ची कहीं फर्स्ट इयर तुम्हें जिते क्लीयर अच कि ना मुझे भी क्लीयर जान ना तो से क्लीयर करने जाऊँ दु तीन टा प्रोब्लेम तुमको देख देख छ तो सपोज क्वेश्चन छुआ मन कर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इ टू दि पावर एक्स छो आम जानचे इ टू पावर डेरिवेटिव इ टू दि पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ इ टू दि पावर एक्स दैट इज के छुआ इ टू दि पावर एक्स तो डेरिवेटिव इ टू एक्स इ टू दि पावर एक्स तेज डेफिनेशन यूज करिया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय के एच लिमिट एच टेन्स टू जीरो तो ये आस टू दि पावर एक्स प्लस एच इ टू दि पावर एक्स डिवाइड बाय के एच लिमिट एच टेन्स टू जीरो ये इ टू दि पावर एक्स इ टू दि पावर एच इ टू दि पावर एक्स डिवाइड बाय के एच तो लिमिट
एज टेन्स टू कला एज टेन्स टू जीरो इ टू दि पार एस मैंने इ टू दि पार एज माइनस वन डिवाइड बाय कि एच बर्तमान कौन होगा छ ना इ टू दि पार एक्स भारी आसा छको तो लिमिट एज टेन्स टू जीरो इ टू दि पार एच बै के एच माइनस वन बै के एच तेने इ टू दि पार दैट इज वन दैट इज इ टू दि पार एक्स आउे छा क्लीयर देखो आम डेफिनेसन कौन एटा ये मेन डेफिनेसन तेल एज टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस इ टू दि पार एक्स एफ ऑफ एक्स बै के एच तेल लिमिट एज टेन्स टू जीरो इ टू दि पार एक्स प्लस एच माइनस इ टू दि पार एक्स बै के एच तेल ये एक्स जगह एफ ऑफ एक्स इ टू दि पार एक्स एटी के एक्स प्लस एच अच्छी मोसेल के इ टू दि पार एक्स प्लस एच माइनस इ टू दि पार एक्स या कुछ मुझे भांगी लिखे ब्रेक कले के इ टू दि पार एक्स इन टू इ टू दि पार एच मुझे इ टू दि एक्स कमन नी इ टू दि पार एच माइनस वन दैट इज के या भैल्यू के ना वन आसीगला तेज़ इ टू दि पार एक्स इन टू वन दैट इज इ टू दि पार एक्स ओके ये सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आम यूज करते जो फर्मुला प्रूफ कले से फर्मुलार पाठ था ये तो बर्तमान जो आम आसवा क्लियरली जो शुणी बड़े सब पाठला को देखो ना न देखे आदू कर देख एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स तो लॉग एक्स डेरिवेटिव के वन बाय एक्स वन बाय एक्स जदि आम चाह लॉग एक्स डेरिवेटिव नवा चाह लॉग एक्स डेरिवेटिव वन बाय एक्स तो मुझे डेफिनेशन ने एफ डैश एक्स इक्वल टू ये जो मेथड प्रूव कर मेथड ना हूँ डेफिनेशन मेथड बा एबिनिटी मेथड बा फास्ट प्रिंसिपल मेथड ये मेथड जो प्रूफ मुझे से मेथड ना कौन छा ना एबिइंटीओ मेथड बा ओ तुम लिखिपार डेफिनेशन मेथड जरा तुम सेवेन बी अच्छी तुम जेटा से मेथड बा ओ तुम लिखिपार या कोई लिखा रखीस ना फास्ट प्रिंसिपल मेथड फास्ट प्रिंसिपल मेथड है तो ये मेथडा जोटा सेवेन बी आम पढ़िया यार नॉर्मल मेथड अच्छी आम सिंपल फंक्शन कि आम सेवेन बी पढ़िया कंपोजिट फंक्शन जो एटा न बुझे से बुझी हेनी से मुझे रिभाइज कर देख तो ये मेथड ना लिखने कौन छा एबिनिटी मेथड बा डेफिनेशन मेथड बा फास्ट प्रिंसिपल मेथड तो बर्तमान आम छा आसी लॉग के एफ ऑफ लिमिट के देख लिमिट लिमिट एक्स टेन एज टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच तो लिमिट एज टेन्स टू जीरो ये लॉग एक्स प्लस एच लॉग एक्स डिवाइड बाय एच तो बर्तमान आम सब फर्मूला लिमिट एज टेन्स टू जीरो फर्मूला छ अच्छी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई दैट इज लॉग एक्स वाई वाई ताने लॉग एक्स प्लस एच डिवाइड बाय एच तो आम पाखे आए किए ना लिमिट एज टेन्स टू जीरो लॉग वन प्लस एज बाय एक्स डिवाइड बाय एच मुझे लिमिट गोटे फर्मूला पढ़ी थी मन पकाओ लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स दैट इज के वन ताने ए जो फर्मूला आम पाखे आइला लिमिट एज टेन्स टू जीरो लॉग वन प्लस एज बाय एक्स अच्छी ये कैसे अच्छे एक्स तीन एक्स हम थ्री दिले थ्री हम फोर दिले एज अच्छी ताने एज बाय एक्स इंटू एक्स तो यार वैल्यू के ना दैट इज वन इंटू वन बाय एक्स दैट इज वन बाय एक्स ये थिला कहार ना डेरिवेटिव लॉग एक्स से भाई छुआ मैं दुटा फंक्शन तुम बुझे आम पाठ को आम जीवा देन आम आस टन एक्स रान एक्स डेरिवेटिव के टन रेक्स स्क्वायर एक्स तो सही प्रूफ करवा कौ मेथड रे ना डेफिनेशन मेथड रे भल भाव पूरा क्लीअर बुझे ताको देखिबो प्रैक्टिस करेबो तने लागि होबो या परे मु पढिले तुमको इजी लागिबो तो आमे हेलो छ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टन एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू केला टन एक्स तो आमे चाहने लेखो एफ डैश एक्स इक्वल टू
limit h tends to 0 f x plus h f of x divided by h. So limit h tends to 0, h tends to 0, ये कितना था ना tan x by x थी ना x plus h minus tan x divided by h. तो limit h tends to 0, तो sin x plus h divided by cos x plus h minus sin x divided by cos x divided by h. ओके, तो बर्तन जो हम पाकर आ चले के ना या कोई भांगी दवा limit h tends to 0 बर्तन LCM के तहत आ पाकर देखो LCM ऐसे जो cos x h ना cos x LCM मतलब लोसागु ताने आसी जो किते ला sin x plus h into cos x तो sin x ये cos x plus h तोले थिला किते h राइट तोले गुणी जीव ताने आमे आसी जीव limit h tends to 0 ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ी रहा खचा इधर वाला फॉर्मूला जो sin a minus b sin a into cos b minus cos a into sin b ताने sin x plus h minus x divided by cos x plus h ये cos x into h तो limit h tends to 0 h कट ला तो sin h by h कहेंगे ना उधर फॉर्मूला से शिफ्ट करियो है ना into into तो sin h by h ले तब हेलु 1 आ जीवो बाकी limit h tends to 0 1 by cos x plus h cos x cos x तो या वैल्यू कते आला छ या वैल्यू 1 आसी आला एठी एज ले वैल्यू पकिले 0 तने cos x 1 by के आला cos स्क्वायर x ये ऊपर को ले कते जीव छ sec स्क्वायर x मत रिपीट छ कर देखो ए प्रॉब्लम ना रिपीट कर छ हमें अंत छ डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज के आला sec स्क्वायर x तो f dash x मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h minus f of x by x तारे h tends to 0 tan x plus h minus tan x y किया ला h तो tan को भांग देने sin by cos sin by cos sin by cos देन तारे LCM ने ली छा लोसागु ने ली ताने cos x ने ली ताने sin x plus h into cos x minus sin x into cos x cos x plus h जो h दा तो ले रखी ली ए जो उपर ही जो मत्ती को फर्मुला को नाशी ला छा sin a plus b फर्मुला तो h x x काटला sin होला कते जा sin h तो sin h / h जे ना हमरे फार्मूला आ जाउची सो मैं तुमको पढ़ा ले कोई दिली लिमिट तो फार्मूला नबो तो लिमिट दे दो फार्मूला तो लिमिट h h / h दैट इज केला 1 ये फार्मूला ने येला 1 आ सेला बाकी इंडिविजुअल के येला ना लिमिट h टेंड्स टू 0 1 / cos x plus h cos x h रे वैल्यू 0 पकेले तने cos x cos x दैट इज cos स्क्वायर x तुम जे लिमिट रूम पढ़ती जे मने पकाओ लिमिट x tends to a f of x into gx तो तेरे हमें जो इंडिविजुअल कर दो तेरे को ना लिमिट x tends to a f of x into लिमिट x tends to a gx हम और क्या करते तो सब बुरा कुछ है कौन मैंने सही बार आरंभ बोला तो तेरे हमें कैलकुलस आरंभ कर ले चल ला सही फास्ट टू हम कॉन्सेप्ट नहीं गए थे वो ये थी ला जो टैन रो कितने sec square x जो फॉर्मूला से लिखो तेरे से प्रूफ को हुआ थोड़ा कर ले डेफिनेशन मेथड बा एबी इंटे मेथड बात आपको मैं कहूँ जे फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये जो आपको हमें पढ़ीगा ये इन लेटर्स को पढ़ो पढ़ीगा यार इन लेटर्स को पढ़ो हमें पढ़ीगा पर क्या गुटे प्रॉब्लम जा करेंगे तब फिर मु आउ थियर की जीवी ये सब दिन सोच बेसिक फर्स्ट ईयर थी ना तो सही पाई मु कौन कोली तुम्हे देखो कुआर हो अबे और तंच देखियो कौन ना आउट इन आवाज़ है वाई इक्वल टू नली सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नली कहते साइन एक्स तो साइन एक्स तो एवरी कहते चा कोसेक्स डेरिवेटिव साइन एक्स कहते ला कोस एक्स तो डेरिवेटिव साइन एक्स दैट इज क्या ला कोस एक्स तो इटा को हम चाहना होगा कहते
ना एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एज टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या ला एच लिमिट एज टेंस टू जीरो तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एच तो इट्स अ साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला पड़ी ला साइन सी माइनस साइन डी सब त्रिकोणी फॉर्मूला छ आगो को तुम दरकार हो तने cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 तो ये फॉर्मूला मोर छ यूज आसीला तो बर्तन हम कोन करिया ना लिमिट एज टेंस टू 0 2 into cos x plus h plus x by 2 into sin x plus h minus की तरह x by 2 डिवाइड बाय की अलग चल ना h तो हमें ऐसे कौन सा ना लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 एटी चा x x कैंसिल रही है ना चा तो ये लगे साइन h बाय कितना सी हो h बाय 2 थोड़ा कितना अच्छी h थोड़ा अच्छी h तो यहाँ पे ही फॉर्मूला था भाई 2 इनटू 2 कर लीजा इनटू लिमिट h टेंस टू 0 ये 2 cos 2x 2 कितना जी 2x plus h by 2 तो यह वैल्यू कितना ऐसी लगा यह वैल्यू 1 ऐसी आला 1 by 2 ये 2 कॉन्स्टेंट हमारी ये लगा ये cos h वैल्यू कितना है h टेंस टू 0 ताने cos 2x by 2 cos 2x by 2 2 2 करना दैट इज x 2 2 करना दैट इज क्या मिला जा cos x ये थी ना चा सिंपल प्रॉब्लम ऑफ sin x रो प्रूफ तो सही बोल जो हम चा लिख ले फार्मूला अप टू 20 फार्मूला ए वाली प्रूफ हो गया छा ये प्रॉब्लम प्रूफ में सीख ले तो कंप्यूटर फंक्शन ऑफ प्रूफ आप को ऑटोमेटिक में कर ही पाबो तो सेबे सी सल्ला पर बीटा को रिपीट कर पढ़ेबी तो रा बुझी पालो फॉर बर्तन में छवा जीवा यारो अदर फॉर्म को ना यू बाय वी यू वी केमति यूज करा हुए सर फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी ला फिर भी मु टिक के रिपीट कर दो जीवा देखो सेवेन वी टी को मु सेवेन सी परे रिपीट मारी भी पढ़े भी तो बर्तन में छ सी कंपोजिट फंक्शन ना को जानिया दरकार सिंपल फंक्शन सब विषय बुझो दिनी बर्तन में छ जीवा जे u और u by v u u u v w सपोज में फंक्शन छ y इक्वल टू दला x स्क्वायर e टू द पावर x से मागले को नो फाइंड dy by के आला dx तो x स्क्वायर e टू द पावर x दैट इज टू फंक्शन u इनटू v एटी के आला दैट इज u दैट इज v तने dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स माने ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव 2x दैट इज एक्स टू द पावर n फार्मूला एक्स स्क्वायर 2 इनटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर n फार्मूला देन 2 इनटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माने ई टू द पावर एक्स कॉमन ले कॉमन ले के तला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x सिंपली जो आउट क्वेश्चन नो छ देखो y इक्वल टू x स्क्वायर बाय e टू द पावर x तो फाइंड dy बाय dx तो एटी हम कोन फार्मूला छ आसीबो ना u बाय v एटा जो कोन फार्मूला कहू छ हम डिवीजन फार्मूला कहू छ तने dy बाय dx इक्वल टू फार्मूला v इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर हम अच्छा या कोई की फार्मूला को छे u बाय v तो हम अच्छा वर्तन असले तो e टू द पावर x दैट इज 2x x स्क्वायर e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर तो e टू द पावर x कॉमन ले 2x माइनस x स्क्वायर by e to the power x whole square तो हमें उड़े कैंसिल कर ले
2x square divided by e to the power x. Okay. तो ये इटा सब uv सॉरी uy v. तो हमें समझा इटा सब इधर जो दूसरा फंक्शन थी वो था ना uv यूज करिएगा यदि y थी वो तो हम सब कौन यूज करिया uy v. देन चाह सिवा uv w तो हमें ऐसे लिखूं जा ना डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स एडी कितना फंक्शन रह जाचा तीनटा यू वी डब्ल्यू तो फार्मूला कौन रह जा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लॉन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वन बाई एक्स तो ई टू द पावर लॉन एक्स ये क्या आसला छ 2x प्लस एक्स स्क्वायर लॉन एक्स ई टू द पावर एक्स तो फॉर्मूला क्लियर ये थी सिंपल uv 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 w. ओके तो बर्तन हमें जीवा आम चैप्टर को आम आगे कंपोजिट फंक्शन मैं 7c पढ़ा तापर 7b पढ़ा. ओके कहीं पढ़ी सी पर बी पढ़ तुम जापर जो पढ़ी सारापर तुम बुझीपर कौन सर सी पर बी पढ़े तो आम बर्तन छुआ आस कंपोजिट फंक्शन जे आम ये गोटे डाउट रही छुआ जे फट छुआ कंपोजिट फंक्शन जे कंपोजिट फंक्शन आम क्या कही था कंपोजिट फंक्शन मीनस जितने फर्मुला में आसे अप टू 20 पर्यंत दैट इज सिंपल फंक्शन थिला साइन कोस टेन सेक कोसेक दैट इज सिंपल फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन मीनस टू और मोर सिंपल फंक्शन दुई रु अधिक सिंपल फंक्शन मिसिला पर जो फंक्शन तैयारी हला दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. मन्ने करो एफ एक्स गोटे फंक्शन जि एक्स गोटे फंक्शन से मिसीगला जो फंक्शन तैयारी कले हला जो फंक्शन तैयारी कले दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन हला. तो कंपोजिट फंक्शन तेल आम डेफिनेशन आसिया कौन आम रूल कौन छा आसिया कंपोजिट फंक्शन. तो कंपोजिट फंक्शन ले कौन हम ना टू और मोर फंक्शन टू और मोर फंक्शंस अटैच टू गेट ए न्यू फंक्शन दैट इज सो मैं सही फंक्शन टाक आम किए फंक्शन कही ना टू और मोर फंक्शन अटैच टू गेट ए न्यू फंक्शन दैट इज कॉल्ड की फंक्शन सर ना दैट इज कॉल्ड सो दैट इज की फंक्शन सर कंपोजिट फंक्शन. तो आम छुआ प्रथम आईडेंटिफाई करवा हुई सिंपल फंक्शन हुई कंपोजिट फंक्शन कौनटा सिंपल फंक्शन कौनटा कंपोजिट फंक्शन. तो साइन एक्स दैट इज सिंपल फंक्शन साइन एक्स रूट ओवर दैट इज कंपोजिट फंक्शन कहीं साइन एक्स आम जानचे रूट ओवर साइन एक्स आने गोटे रूट ओवर रहा गोटे साइन एक्स रहा तो टैन एक्स दैट इज सिंपल फंक्शन जदि टैन एक्स रूट ओवर रखी दैट इज कंपोजिट फंक्शन से टैन थ्री एक्स रूट ओवर ये मध्य कंपोजिट फंक्शन तमें आमे विशेषकर ध्यान दब जितने फर्मूला थी ओल आर सिंपल फंक्शन आम जो कूड़े जी कौन फंक्शन आसला आम कौन कौचे ना कंपोजिट फंक्शन तुम देख लक्ष्य कर बर्तमान कहली टैन एक्स की फंक्शन सिंपल फंक्शन जी टैन थ्री एक्स कहली की फंक्शन कंपोजिट
tan x that is simple tan 3x to eti ketra function hoila cho na dui ta function hoila ki tan 3x hola tan 3x to dui ta function gote tan gote 3x simply root over tan composite function tan x simple function root over tan x composite function tan root over gote hoji tan x gote jodi root over tan 3x tan gote 3x tin ta roch ke na age root over tapar tan 3x दैट इज कंपोजिट फंक्शन तो प्रथम आइडेंटिफाई करियार अच्छे केतेटा सिंपल फंक्शन ताकि रोचे से जो फंक्शन आम कौचे से फंक्शन भितर केतेटा सिंपल फंक्शन रोचेटा जी जितना सिंपल फंक्शन रहा से चेन तुम हम छ तो आम बर्तमान देखा जे चेन रूल आम क्या कह हटा चेन रूल तो आम देखा चेन रूल आम क्या कह ना जो मेथड रे हम जो कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करि थाउ दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड की ना चेन रूल अन द मेथड व्हिच यूज्ड टू जे चेन रूल डेफिनेशन द मेथड मेथड व्हिच यूज्ड टू सॉल्व सॉल्व द कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन द मेथड व्हिच यूज टू सॉल्व द कंपोजिट फंक्शन दैट इज कॉल्ड चेन बुझेल अच्छा जो मेथड माध्यम आम कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व कर था दिस मेथड इज कॉल्ड चेन रूल सो चेन रूल को ना सपोज गोटे क्वेश्चन जो दे वाई इक्वल टू tan 3x अगर तुम आइडेंटिफाई करिवो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंपल फंक्शन इन ए कंपोजिट फंक्शन दैट इज ए कंपोजिट फंक्शन तो ये केतरा सिंपल फंक्शन ता भीतर रहउछि देखिवार अछि तो सिंपल फंक्शन किए ना गोटे टान रहिला गोटे 3x रहिला तो हम जो डेरिवेटिव मारिबि छ आंसर त dy / dx इक्वल टू तो टान रो डेरिवेटिव केतला sec स्क्वायर 3x * डेरिवेटिव ऑफ 3x तो जो एक प्रश्न रही चेन रूल करने आगर तेल छुआ डेड एक्स के सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स इंटू किए थ्री तो आम आस ना सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स इंटू थ्री तो आम छुआ क्लीयर हेले केतेटा छुआ सिंपल फंक्शन ना टर्न गोटे थ्री एक्स तो टर्न सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ 3x तने sec स्क्वायर 3x दैट इज के ला इनटू 3 मु या को छ पुरा अदर वे तुम ले पर देखो ए प्रॉब्लम डाउन अच्छी देखो मु एमती मध्ये लिखि परिबी तो पुरा को ना अदर मेथड को ना और y इक्वल टू के ला tan 3x तने dy / dx इक्वल d tan 3x डिवाइड बाय d 3x इंटू डी थ्री एक्स बैला डी एक्स तो सेक्स स्क्वायर थ्री एक्स इंटु थ्री तमें आम पाखे जितना चेन है मन कर राम जदु हरी तो राम को एक्सपेक्ट दे दीज देवे टान थ्री एक्स को एक्सपेक्ट देगा किए थ्री एक्स एवं जदु को एक्सपेक्ट दब किए हरी हरी के दब एक्स ते टान थ्री एक्स को थ्री एक्स थ्री एक्स को एक्स ओके तो आम ये किसी प्रोब्लेम नौचे मु दस पंद्रह कोड़े प्रॉब्लम कला पर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट को तो क्वेश्चन अच्छे हम पाखे चाहिए मु लिखली वाई इक्वल टू टर्न थ्री एक्स रो रूट ओवर हला टर्न थ्री एक्स रो रूट ओवर तो ये छुआ पाखे रहा तीन टा चेन रहा किए गोटे रुट ओवर गोटे टान गोटे थ्री एक्स छुआ मुझे लिखी आसती रुट एक्स डेरिवेटिव के वन बै टू रुट एक्स रुट एक्स डेरिवेटिव के वन बै टू रुट एक्स मुझे छुआ देख यदि मुझे डी वाई डी एक्स कली ते रुट ओवर के वन बै टू रुट एक्स टान थ्री एक्स रुट ओवर इंटु डेरिवेटिव ऑफ tan 3x तने 1 by 2 tan 3x रो रूट ओवर रूट एक्स रो गला तब tan लग जाए ना चा
अपना सेक्स स्क्वायर 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माने 1 बाय 2 टर्न 3x रूट ओवर दैट इज सेक्स स्क्वायर 3x इनटू 3x रो 3 तुम्हें एटा मध्य नहीं परियो यदि अदर मेथड अच्छा करियो याको मु और करबी y इक्वल टू टर्न 3x रो रूट ओवर माने dyy dx इक्वल d tan 3x रो रूट ओवर पूरे x पर दबो किए छ d tan 3x माने गुटे चेन काट दिया में आसीबा रूट ओवर पूरे x पर दला के d tan x एवं d tan 3x पूरे x पर दबो d 3x एवं d 3x पूरे x पर दबो किया dx माने ये 1 by 2 tan 3x रूट ओवर tan रो sec स्क्वायर 3x एवं 3x रो 3 तुम्हे जोंटा इजी हो तुम्हे से बटे तुम नहीं परियो मु ए बटे नु छि न से बटे जे एटा नहीं हो जेटा नु छि नियो ओके तन आउथरे चेक क्लियर करछु एटी रूट ओवर ऑफ tan 3x रूट ओवर त रूट ओवर एटी के त रूट ओवर उठे tan उठे 3x तन तीनटा चेन ल त रूट ओवर ल 1 by 2 रूट x tan ल sec स्क्वायर अगे d रूट ओवर मार कोले डेरिवेटिव ऑफ tan 3x देन रूट ओवर 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ tan 3x प्लस sec स्क्वायर 3x डेरिवेटिव ऑफ 3x तन दैट इज के 3x हो गया 3 तो एटा मध्य सेम प्रोसेस रे काकु ना रूट ओवर को x पर देला के d tan 3x एवं tan 3x को देला 3x एवं 3x को देला के ला ना dx ओके तो हमें वर्तन छनवा और अनदर प्रॉब्लम नउची क्वेश्चन सर अछि y इक्वल टू e टू द पावर sin x तो फाइंड dy by dx तने y इक्वल टू e टू द पावर sin t हमें क्लियर हो जा केतटा सिंपल फंक्शन तब तरह होची ता दुईटा बुझी बुझी sin यदि मुझे आंसर कर ली y इक्वल टू e टू द पावर sin x तन डीवाई रहा e टू द पावर sin x रो e टू द पावर sin x एवं डेरिवेटिव ऑफ sin x तने e टू द पावर sin x रो cos x ओके किंतु ताको छ यदि अदर मेथड रे करबा y इक्वल टू e टू द पावर sin x तो dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव e टू द पावर sin x को एक्सपेक्ट दला छ d sin x एवं d sin x को एक्सपेक्ट दला dx माने e टू द पावर sin x रो की हला cos x sin x रो cos x ओके तो इमिति क्वेश्चन जान होचे हमें सपोज y इक्वल टू sin रूट x रो रूट ओवर तो y इक्वल टू कितना था ना y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ sin रूट x तो ये कितना जन था एक रूट ओवर sin रूट x तो हम पकड़ कितना चेंज हो ची तीन टा उधर हो ची रूट ओवर उधर ला साइन डे रूट एक्स इधर मु डी वाई वाई डी एक्स ले ली एंड वन बाई टू साइन रूट ओवर रो रूट ओवर तब रे क्या इधर चा ना डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स एंड वन बाई टू साइन रूट ओवर रो रूट ओवर इनटू इनटू क्या हुआ इधर सब मिस्टेक ले चा खाली साइन ऑफ रूट एक्स तो साइन लो क्या कॉस रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या ला ना रूट एक्स में डी लिखी हुई चाहे ज्यादा हो नहीं तो इनटू तो लोग को लिखो जी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स नाने वन बाई टू साइन एक्स रो रूट ओवर ये कॉस रूट एक्स ये कितना चाह कॉस रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स ओके तो ये सिंपल प्रॉब्लम आगे देखो चाह
आम पाखे तीन टाइम चेन रहा तीन टाइम चेन मान किए गोटे रुटोबर गोटे साइन गोटे रुटेक्स वन बै टू सैन एक्स रुटोबर रहा हल रुटोबर रुटोबर अफ सैन रुटेक्स डेरिवेटिव कार सैन रुटेक्स सैन रुटेक्स क्रॉस रुटेक्स रुटेक्स वन बै टू रुटेक्स ओके y इक्वल टू असल के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू दि पावर एट तो फाइन डीवाई बाय डीएक्स ये कितना चेन हो ना दुईटा गोटे एक्स टू दि पावर एन गोटे ब्राकेटा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू एट तर मुझे नहीं कितने ला ना डी बाय डीएक्स इक्वल टू एट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ताने 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू दि पावर सेवेन इंटू टू एक्स इंटू टू एक्स ताने किए ला ना 8 एक्स स्क्वायर प्लस फाइव टू दि पावर सेवेन इंटू टू एक्स ओके तो आम सब कतटा चेन तुम रहा सहीटा तुम बुझेले एक पाठ बुझीपाल तो चेन टाक आगे क्लीअर होबार अच्छे कतटा चेन तक रोच तो सपोज क्वेश्चन देली y इक्वल टू log sin 3x सो ये क्लियर कर कितना चेन रही था भितर तो रहा कहते log sin 3x तो log sin 3x मीन्स ये तीन टा चेन रोचे गोटे log गोटे sin गोटे 3x आगे देखो आगे log रोचे देन sin एपट जीव छपट तुम्हें जीव log sin 3x तब मुझे कौन लिख पारि ना डी वाई वाई डी एक्स है लग रोटे वन वाई एक्स साइन थ्री एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थ्री एक्स वन वाई साइन थ्री एक्स ये साइन रो के कॉस थ्री एक्स इंटू डेरिवेटिव पुणी कह रही है थ्री एक्स साइन पर कॉस पुणी साइन कॉस आईला पुणी थ्री एक्स रहा ये देख कोट 3x y sin 3x into 3 ताने 3 cot 3x अब जो चाहूँ तो रिपीट कर दिया कुछ आपको log रहला 1 by sin 3x derivative of sin 3x sin x रखिए ये ला cos 3x मुं derivative of 3x ओके सिंपल जस्ट या y equal to बोलो अभी तो देखिए वो प्रैक्टिस करें ही बोलो तो प्राक्टिस ना हमने चाहे y इक्वल टू लोन रुट एक्स प्लस वन लोन ये चेन चेन रहा ना ये छुआ रहा आम पाखे कितना ना दुईटा चेन गोटे लोन आ गए रुट एक्स प्लस वन ताने डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू वन बै रुट एक्स प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ रुट एक्स प्लस वन वन बै रुट एक्स प्लस वन तो वन बै टू रुट एक्स प्लस के टू रुट एक्स प्लस जीरो ताने वन बाय टू रूट एक्स ए रूट एक्स प्लस वन ओके तो आम क्लीअर हेल्ले जे लोन जितना चेन से अनुसार यूज कले जी कष्ट प्रोब्लेम अच्छे सिंपल प्रोब्लेम सब यूज कर लोन रूट एक्स प्लस वन रहा लोन वन बाय रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस वन कि वन बाय टू रूट एक्स वन इज कन्स्टेंट अल्सो जीरो देन ये अच्छे आसला देन एनदर प्रॉब्लम छे नवा तो y इक्वल टू टेन टू दि पावर लोन साइन x तो हम पाखे छ केतरा चेन रोज देखो उडे टेन रोचे उडे लोन रोचे उडे साइन x रोचे तन तीनटा दिन से रोचे तने टेन टू दि पावर x तने टू दि पावर x फार्मूला ए टू दि पावर एक्स तर मुझे भी छक ना डी वाई वाई डी एक्स आगे टेन रुटला बुकवा ए टू दि पावर एक्स टेन टू दि पावर लॉन साइन एक्स इंटू लॉग टेन इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉन साइन एक्स टेन टू दि पावर लॉन साइन एक्स लॉग टेन ये वन बाय साइन एक्स ये डेरिवेटिव ऑफ
sin x then 10 to the power ln sin x log 10 then 1 by sin x rukhe ala cos x then 10 to the power ln sin x log 10 ये cot x ये ला cot x आसान से रिपीट कर देखो ना 10 to the power ln sin x हले हमारे x to the power एक्सपोर्ट में ला पड़ी हुई था तन 10 to the power ln sin x log 10 तो derivative of ln sin x तो ln sin x रो 1 by sin x रो क्या ला cos x cos x सिंचा शिवा y equal to a to the power root x whole root over तो ना मैं क्लियर हो बच्चा कितना चेंज हो ची आगे देखो root over उठा ची a to the power हो ची root x हो ची तन तीन डा चेंज सो मैं लक्ष्य करी वो हम बोल रहे कितना चेंज इस तरह हो ची तन तीन डा चेंज हो बच्चा तो ना मैं कौन करिया ना dy by dx equal to 1 by a to the power root x रो whole root over into derivative of a to the power root x then 1 by 2 a to the power root x or root over then a to the power root x into a to the power root x log a into derivative of root x then 1 by a to the power root x root x a to the power root x log a 1 by 2 root x 1 by 2 root x तने छ ये सब फार्मूला को हम सिंपल एरिया में नोचे ओके तो सेम थिंग गुड क्वेश्चन नो छ y इक्वल टू याको ध्यान दे सुनिबो फार्मूला छ क्लियर करियो फार्मूला क्लियर न कोले ये कांसेप्ट आदु बुझि परिबो नि जे लाभ भी होबन छ तो याको फार्मूला सब क्लियर करियो तो y इक्वल टू tan 3x रो रूट ओवर अरे कितना चेन हो जा ना तीन टा चेन हो उड़े टान उड़े रूट ओवर अब जी थ्री एक्स तो ने जब मैं डी वाई वाई डी एक्स ना हो जा तो ने सेक्स को या थ्री एक्स रूट ओवर डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स रो रूट ओवर तो ने सेक्स को या थ्री एक्स रूट ओवर इनटू वन बाई टू थ्री एक्स रूट ओवर इनटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स तने sec square 3x रो रूट ओवर 1 by 3x रो रूट ओवर into 3 तो ये थिला फॉर्मेट को जो नाम में आसेले चैनल लो एवं नेक्स्ट वीडियो रा में चाहे यूज करिया को ना तारो क्रिटिकल प्रॉब्लम देने सॉल्व तो हो सेटा ओके कितना